हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं लैंग्वेज के बारे में, जैसे कि हम लैंग्वेज को कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड सेटिंग पर। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सिस्टम सेटिंग पे जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एक्सेसिबिलिटी पर जाना है और आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर इधर की साइड स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है टेक्स्ट टू स्पीक सेटिंग, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, लैंग्वेज वाले ऑप्शन पर जाना है। ये देखिए लैंग्वेज आ गया, तो लैंग्वेज वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है लैंग्वेज देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बंगाली है, जापान है, इंग्लिश है और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रांस है, जर्मन है, हिंदी है, इटालियन है और यहाँ पर देख सकते हैं पंजाबी है, तमिल है। इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी कंट्री के हिसाब से लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका, उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको सेटिंग पे जाना है और आपको इस तरीके से आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर जाना है और आप यहाँ पर सर्च कर लेना है लैंग्वेज, तो यहाँ पर शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप यहाँ पर आ जाएंगे और इसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।